This week on Amazing Indians, we showcase three remarkable achievers who have transformed the lives of others. These are stories of grit, compassion, and selfless service. We bring you the story of a 16-year-old girl who has been crusading against child trafficking in the villages of Jharkhand. Meet Dr. B. Ramana Rao. This Bangalore-based cardiologist and physician has been providing free medical treatment to patients in the rural heartlands for the past 40 years. She is a green crusader from Jamshedpur. Chhammi Murmu has converted acres of barren land into lush green forest covers and mobilized thousands to protect the environment. A thousand young faces disappear into darkness. Young girls are sold off every single day in the country. Aarti was only 9 years old when she was sold off by her father for a paltry sum of money. घर में मतलब समस्या था खाने पीने का पैसा का तो मेरा पापा हमको मतलब दूसरे के पास भेज दिए थे काम करने के लिए जहां हम रहते थे वहां मतलब हमको अच्छा तरीका से नहीं रखा जाता था हमको बहुत मतलब सताया जाता था और खाने पीने से तो नहीं देते थे और मतलब हमको बंदी करके रखते थे और हमसे अच्छा से मतलब बातचीत से उस तरह से नहीं करते थे और हमको बहुत मारते थे थोड़ा गलती करते थे तो बहुत मारते थे The middleman brought her to Kolkata, where she was employed as a child laborer. Separated from her family at a tender age, she endured repeated rounds of mental and physical torture. मेरा जिंदगी हम अंधेरा सोच लिए थे कभी हम मतलब पंछी जैसा जात में उड़ते उस तरह से हम कभी उड़ नहीं पाएंगे The dream of flying free spurred this young girl to gather courage and escape from her employers. हम जब 11 साल के थे तो उस घर से हम भाग गए भाग के हम कलकत्ता में आए तो हम कलकत्ता में एक भैया मिले चाइल्डलाइन के तो भैया हमको बोले कि चलो तुमको हम ले जाएंगे तुमको अपना घर पता है तो हम बोले नहीं तो नाम पूछे तो हम आरती बताए फिर हमको ले गए कलकत्ता हॉस्टल में फिर हॉस्टल से हमको बोला गया कि तुम अपना गांव जाओ फिर हम झारखंड बोले तो हमको झारखंड चाइल्डलाइन द्वारा भेजा गया फिर झारखंड चाइल्डलाइन हमको अपना गांव पूछे तो हम बोले हमको पता नहीं है फिर लोग पूछे तुम बनना क्या चाहती तो हम बोले हम समाज सेवा करना चाहते हैं पढ़ना चाहती हूँ पूछे तो हम बोले हाँ हम पढ़ना चाहते हैं Tucked in the interiors of Jharkhand is Aarti's new home, away from home. Kishori Niketan, a shelter home run by Bharatiya Kisan Sangh. Living with other girls with a similar traumatic past made Aarti realize she was not alone. Jharkhand ki jo tribals ladkiyan hain, inki demand kafi hai. Demand ke karan bilkul aspasht hai. Kyunki yahan ki ladkiyan sidhi saadhi ईमानदार ही है मेहनती होती हैं इसलिए दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अब ह्यूज डिमांड्स हैं और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि पेरेंट्स भी इसके बारे में जानकारी उनको नहीं के बराबर होता है कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है जो दलाल हैं सो कॉल्ड उनके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं जिसके कारण हम प्रॉपर ढंग से पुलिस या डिफरेंट जो एनजीओ काम करती है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती दूसरा सबसे बड़ा चुनौती है कि जो लिटरेसी का जो रेट है झारखंड में आप देखेंगे वो परसेंटेज काफी लो है लड़कियां चाहती हैं पढ़ना लेकिन एक कमाऊ का जरिया बन गया है झारखंड से इतनी बच्ची जाती है इसके साथ ऐसा नहीं क्यों होता है क्या ये लोग नहीं जानते कि क्यों होता है किस लिए होता है तो हमको भी तभी महसूस हुआ कि हमको जागरूकता करना चाहिए क्या इस तरह से मतलब बच्चे लोगों के साथ किया जाता है And so Aarti became a crusader against child trafficking. This gritty 16-year-old makes monthly visits to villages, sensitizing girls
their parents and even the sarpanch about child rights. बाल पंचायत में हम लोग महीना में एक दो बार जाते हैं बताने कि आप लोग आपके गांव में इतने से इतने बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल, आप और भी उसको मतलब समझाइए या उसके लिए कुछ कीजिए। एक नुक्कड़ नाटक बनाए किस तरह से बच्चों के साथ किया जाता है, वो नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम रांची गए, पाकुड़ गए, पलामू गए, लातेहार गए, इस जगह में हम अपना नाटक दिखाए और सबको इसको बताए क्या बच्चों के साथ किस तरह से किया जाता है और लोगों को ये भी बताया जाता है कि कितने साल के बच्चे को बाल मजदूरी कहा जाता है और कितने साल के बाल मजदूरी नहीं कहा जाता है। हमारे गांव में आरती दीदी जाती है तो समझाती है कि अपना स्कूल जाओ और किसी का बाल मजदूरी मत करो। पता लगाते हैं कि कौन स्कूल में जाती है, कौन बाल मजदूरी करने जाती है, उसको हम लोग पता लगाते हैं और उसका घर जाते हैं और माँ बाप से मिलते हैं और बात करते हैं माँ बाप से कि बच्चा सबको स्कूल भेजना चाहिए, मजदूरी करना नहीं चाहिए। Aarti is a role model for thousands of girls in the villages of Jharkhand. Undaunted by her past and determined to create a better future for others like her, this young Indian is paving the way for change in a state that's most vulnerable to child trafficking. Mera ichha hai ki ye trafficking ruk jaye aur hum samaj seva kare jis par hum child trafficking ke liye lad rahe hain. उस वजह से हम चाहते कि दूसरी भी लड़की उसी तरह से लड़े और उन लोग का फीलिंग समझा और उन लोग के लिए मदद करे।